कारवाने उर्दू में बेटा हम लेसन फीकी खिचड़ी के पहले आज बुक वर्क करेंगे एंड देन वी विल डूइंग कॉपी वर्क पेज नंबर 79 पेज नंबर 79 देखिए स्क्रीन्स पर भी है बेटा और अपनी बुक्स भी खोलिए सवाल नंबर 3 अब आप सोचिए पहले बेटा ये इस पे है पेज 78 पे दो लाइंस में है मैं पढ़ रही हूँ इल्फाज शनासी इस कहानी में आपने लफ्ज पेटू पढ़ा है जिसके मायने है ज्यादा खाने वाला इसी तरह एक और लफ्ज चटोरा पढ़ा इसके मायने है चटपटे खानों का शौकीन ठीक है अब जी इसका क्या सवाल उन्होंने आगे आपसे पूछा है अब आप सोचिए और लिखिए कि ये इल्फाज किन लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं पढ़ाकू Raise your hands. Quickly, beta, raise your hands. पढ़ाकू किसके लिए इस्तेमाल होता है Zainab. तो बहुत बहुत ज्यादा पढ़ने वालों के लिए वेरी गुड पढ़ाकू के आगे लिखे बहुत ज्यादा पढ़ने वाला पेज नंबर क्या है पेज नंबर 79 कैसे करती है एरो आएगी ना हां जी आप मुझे मराहित बताएंगे बातूनी कौन होता है टीचर इंक पेन से लिखना है नहीं बुक वर्क में तो बेटा पेंसिल से लिखिए और डेट एंड डेट डालिए इस पेज पे आज मनाहिद अपना बेटे कैमरा अनम्यूट कीजिए बातूनी का बताइए मनाहिद हरिया कौन होता है जी बातूनी और बताएगा खतूनी ज्यादा बातें करने बहुत बातें करने वाला बातूनी के आगे लिखें बहुत बातें करने वाला अब जी है हसास ये शब्द बताएंगे मुझे हसास क्या होता है आइए अब ये शब्द आइए अब ये शब्द टेल मी बेटे बहुत बहुत एहसास करने वाला वेरी गुड हसास बहुत एहसास करने वाला वहमी बहुत वहम करने वाला वेरी गुड बहुत वहम करने वाला वहमी बहुत वहम करने वाला झगड़ालू बहुत ज्यादा झगड़ने वाला बहुत ज्यादा झगड़ने वाला बहुत झगड़े करने वाला ठीक है मैं अब रिपीट कर रही हूँ लिख लीजिए पढ़ाकू बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बातूनी बहुत बातें करने वाला सास बहुत एहसास करने वाला बहनी बहुत ज्यादा वहम करने वाला जी झगड़ालू बहुत झगड़े करने वाला जी देखिए कवायद वाहिद जमा मिसाल के मुताबिक दिए गए जुमलों में खत कशीदा वाहिद की जमा बनाकर जरूरी तब्दीलियों के बाद जुमले दोबारा लिखिए मिसाल दिए डॉक्टर ने अली को हिदायत की खत कशीदा लफ्ज इसमें क्या है हिदायत मनाहिद जैनब बी अटेंटिव हिदायत का लिखिए क्या है जी हिदायत का जमा हिदायत डॉक्टर ने अली को हिदायत की नेक्स्ट पेज पे आइए पेज नंबर 80
पेज नंबर 80। आजकल आलूदगी की वजह से मर्ज बढ़ता जा रहा है। इसका हम लिखेंगे, इसमें फतकशीदा लफ्ज कौन सा है? मर्ज। मर्ज की जमा होता है अमराज। नीचे लाइन पे आप लिखेंगे, आजकल आलूदगी की वजह से अमराज बढ़ते जा रहे हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, आजकल आलूदगी की वजह से अमराज बढ़ते जा रहे हैं। नंबर टू, वो इबादत में मसरूफ है। इबादत फतकशीदा है, इबादत की जमा इबादत। लिखिए, वो इबादत में, वो इबादत में मसरूफ हैं। है आएगा, है की जमा है, नून गुना वाला। नंबर थ्री, नेकी का बहुत फायदा होता है। यहाँ फतकशीदा लफ्ज है फायदा। फायदा की जमा फवाइद होती है। इसका आप लिखेंगे, नेकी के बहुत फवाइद होते हैं। नेकी के बहुत फवाइद होते हैं। आगे है जी, मुझे तुमसे शिकायत है। खतकशीदा लफ्ज शिकायत, उसकी जमा शिकायत। इसका हम लिखेंगे, मुझे तुमसे शिकायत है, नून गुना वाला है। ये वाला देखें, मेले में गुमशुदगी का ऐलान हो रहा था। खतकशीदा लफ्ज ऐलान, ऐलान की जमा होती है ऐलानात। आप इस पे लिखेंगे, मेले में गुमशुदगी के ऐलानात हो रहे थे। मेले में गुमशुदगी के ऐलानात हो रहे थे। वाव वाला देखिए, मुझे शेर अच्छा लगता है। फतकशीदा लफ्ज है जी शेर, शेर की जमा अशार। मुझे अशार अच्छे लगते हैं, नून गुना वाला। मुझे अशार अच्छे लगते हैं। लास्ट जो है जे, इसमें बेटा दो दिए हुए हैं जमा और वाहिद। मुझे हदीस और कौल याद है। खतकशीदा अल्फाज हदीस और कौल, हदीस की जमा अहदीस और कौल की अकवाल। इसका हम लिखेंगे, मुझे अहदीस और अकवाल याद हैं। मुझे अहदीस और अकवाल याद है। जी ये बेटा आपका हो गया बुक वर्क। अब जी पेज नंबर निकालिए 78। इसमें देखिए जी, सवालों के जवाब लिखिए।
पहला सवाल, ईद के दिन फैजान को सबसे ज्यादा खुशी किस बात की थी? इसका आप जवाब लिखेंगे, ईद के दिन फैजान को ईद के दिन फैजान को सबसे ज्यादा खुशी ईदी मिलने की थी। इसका आप जवाब लिखेंगे क्वेश्चन वन का, ईद के दिन फैजान को सबसे ज्यादा खुशी ईदी मिलने की थी। फातिमा, क्वेश्चन नंबर टू, फैजान ने अपनी ईदी का क्या इस्तेमाल सोच रखा था? आप जवाब लिखेंगे, फैजान ने अपनी ईदी को स्कूल की ईद मिलन पार्टी में लगने वाले कुतुब मेले में इस्तेमाल करने का सोचा था। फातिमा, वो अच्छी अच्छी किताबें खरीदने वाला था फातिमा, सवाल नंबर तीन, फैजान मेले में किस किस तरह लुत्फ अंदोज हुआ फहरिस्त बनाइए। सब बेटे आप जवाब इस तरह लिखेंगे, फैजान ने मेले में फैजान ने मेले में सबसे पहले आगे दो डॉट लगाइए,
दो डॉट लगाइए सबसे पहले के आगे। अब नेक्स्ट लाइन में न्यू लाइन बेटे, अगली लाइन में नंबर वन डालिए, ये हम पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। नंबर वन डालिए, ऊंट की सवारी की, ऊंट की सवारी की। ऊंट की सवारी की अगली लाइन में नंबर टू डालिए, झूले झूले, झूले झूले। नेक्स्ट लाइन में नंबर थ्री लिखिए, उसने, नंबर थ्री लिखिए बेटा, उसने दोस्तों के साथ, उसने दोस्तों के साथ मिलकर चटपटे छोले, चटपटे छोले और दही बड़े खाए, और दही बड़े खाए। फातिमा, नंबर फोर, ठंडे मशरूबात पिए, नंबर फोर, ठंडे मशरूबात पिए। नंबर फाइव, नंबर फाइव, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म पॉप कॉर्न, पॉप पेलिफा पेसाकिन पॉप काफलिफ का रे नून नून गुन्ना कॉर्न पॉप कॉर्न खाए, गर्मा गर्म पॉप कॉर्न खाए। नंबर छः, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नंबर छः, बहुत से खेल खेलने के बाद, बहुत से खेल खेलने के बाद हलीम और बिरयानी खाई, हलीम और बिरयानी खाई। हलीम और बिरयानी खाई। फातिमा, नंबर सेवन, गोला गंडा चूसा, नंबर सेवन, गोला गंडा चूसा। और फिसलनी पर, फिसलनी पर खूब फिसले, और फिसलनी पर खूब फिसले।
आत्मा, नंबर एट आइसक्रीम खाकर, आइसक्रीम खाकर, नंबर एट आइसक्रीम खाकर अपने 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 घरों को हो लिए, अपने अपने घरों को हो लिए। सवाल नंबर चार, फिजान की तबीयत की खराबी की असल वजह क्या थी? लिखिए जी, फिजान की तबीयत की खराबी की असल वजह बद परहेजी थी। ये क्वेश्चन से ही हो जाएगा, असल वजह क्या की जगह आपने लिख देना बद परहेजी थी, ठीक है? क्वेश्चन से ही सारा होगा, सिर्फ क्या की जगह आपने लिख देना बद परहेजी थी। अगला सवाल, फिजान की ईद के बाकी दो दिन किस तरह गुजरे होंगे तहरीर कीजिए। ये भी पहले क्वेश्चन से है, फिजान की ईद के बाकी दो दिन घर में, फिजान की ईद के बाकी दो दिन घर में परहेजी खाना जैसे फीकी खिचड़ी, परहेजी खाना जैसे फीकी खिचड़ी खाते हुए गुजरे होंगे, खाते हुए गुजरे होंगे। खत्मा। अगला सवाल है जी, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? इसका बेटे जी आप जवाब खुद लिखेंगे, जो जो आपने सबक सीखा, ठीक है? अब जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, एक तो आप मुझे इसका सवाल जवाब बताएंगे कि आप इसमें क्या लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चनिंग करें। यस जैनल, इसे पूरा नहीं हुआ, आपने बहुत तेज बोला है। क्या पूरा नहीं हुआ? क्या नहीं पूरा हुआ जैनल? ये क्वेश्चन आंसर जो अभी आपने करवाए हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन आंसर सारे नहीं हुए? जो पूरा नहीं हुआ मुझे बताइए, मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन वन तो इतना आसान है, ईद के दिन फिजान को सबसे ज्यादा खुशी ईद ही मिलने की थी। क्वेश्चन में ही उसका आंसर पहले लिखेंगे आप, और ज्यादा खुशी किस बात की थी उसकी जगह आप लिख देंगे ईद ही मिलने की थी, ठीक है? ठीक है। और टीचर ये क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री थोड़ा लेंथी है, अभी आप यूट्यूब से देख लें, ठीक है? अभी आपको ये लेक्चर 2.5 गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खाए। अब जरा जैना मुझे ये बताएं, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा है? मेरे लिए चीजें नहीं खानी चाहिए। खानी तो चाहिए, ये नहीं कि नहीं खानी चाहिए। अब आप मेले में जाएंगे तो कुछ भी नहीं खाएंगे, ये तो नहीं मुमकिन है ना। खाने पीने में आपको बेटे, खाने पीने में आपको एतदाल रखना चाहिए, इतनी ज्यादा चीजें नहीं खानी चाहिए। बदपरहेजी की चीजें नहीं खानी चाहिए। बदपरहेजी की नहीं करनी चाहिए। खाने पीने में बेटा एहतियात करनी चाहिए। जी जी यशित बेटे आप पूछिए। टीचर वो मेरा क्वेश्चन नंबर टू नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर टू, फैजान ने अपनी ईदी को स्कूल की ईद मिलन पार्टी में
अब बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर ना होमवर्क भी आ रहा है, होमवर्क देख लीजिए और अभी आपको व्हाट्सएप भी हो जाएगा। फैजान ने अपनी ईदी को स्कूल की ईद मिलन पार्टी में लगने वाले कुतुब मेले में इस्तेमाल करने का सोचा था, वो अच्छी अच्छी किताबें खरीदने वाला था। अब ये एक तो आपने ये वाला सवाल, इसमें आप लास्ट जो क्वेश्चन है क्या सबक सीखा ये आप खुद लिखेंगे, और दूसरा एक और सवाल है इसमें, इस कहानी का कोई और नाम तजवीज कीजिए, कोई और नाम क्या हो सकता है, ये भी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने कोई और क्वेश्चन करना है तो बेटा हरी अप, रेज योर हैंड्स। नो मोर, ओके बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। मैं कल इंशाल्लाह चेक करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ बेटा।